हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अहमद और आप देख रहे हैं आडियो टैग विद नदीम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, और इस वीडियो में रहेगा जैक टू जैक कनेक्शन, यानी एक लीड बना करके मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आप हमिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं और माइक में करंट आने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। माइक में करंट दो वजह से आता है, वो दोनों ही वजह मैं इसमें वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। ये आपका मेल जैक है, मेल XLR। जैसे आप इसकी पिन पर देखेंगे, तीनों ही पिन पर नंबर डले हुए हैं, जैसे 1, 2, 3। जैसे पिन नंबर इसका 1 ग्राउंड होता है, और पिन नंबर 2 जो कि हम ऑडियो के लिए यूज़ करते हैं, और पिन नंबर 3 जो कि नेगेटिव है। तो पिन नंबर 1 जो है उसको फैंटम सप्लाई 48 वोल्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैक को सोल्डरिंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि पिन नंबर 1 से जैक को अर्थ नहीं करना है, जो कि आप पहले करते थे। पिन नंबर 1 से अगर आप जैक को अर्थ कर देंगे तो आपके माइक में करंट आएगा, जो कि मिक्सर से 48 वोल्ट निकलते हैं फैंटम सप्लाई ऑन करने पर। और दूसरी वजह माइक में करंट आने की क्या है, दूसरी वजह यह है कि पी एम्पलीफायर से करंट आता है। अगर उसको एम्पलीफायर को आप अर्थ कर देंगे तो कभी भी माइक आपका करंट नहीं मारेगा, ना ही कोई करंट आएगा आपके सिस्टम में। आपने 2, 4, 6 या 8, 10 एम्पलीफायर भी लगा रखे हैं अपने साउंड सिस्टम में, आप किसी भी एक एम्पलीफायर को अर्थ कर दीजिए ज़मीन से, कभी भी आपके सेटअप में करंट नहीं आएगा, ना ही माइक में जाएगा।
कोई भी एक एम्पलीफायर अर्थ करना होता है।